हाँ जी। अच्छा बाबा, वो बहु रिपीट होती है जो जीवन, हम पुरुषार्थ करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाएंगे? आप पुरुषार्थ करिए, आगे बढ़िए। बोला है हो बहु रिपीट होता है। आपको याद है जो रिपीट होता है 83 जन्म का, 84 जन्म का, वो आपको याद है? जब याद नहीं है तो आप कैसे कहते हैं वही रिपीट हो? आप अच्छा पुरुषार्थ करिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। खाने के लिए नहीं पूछा जाता है कभी कि हमने खाया होगा तो किचन में जाके बना खा लेंगे, पट से जाके किचन में जाके बना के खा के और पेट भर के आ जाएंगे, उसके लिए नहीं कभी सोचेंगे। पुरुषार्थ करने के लिए सोचा जाता है कि ड्रामा में होगा तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे, नहीं ड्रामा में तो है और ड्रामा वैसा ही चलेगा जैसा 5-4 वर्ष पहले चला है, लेकिन वो 5-4 वर्ष का ड्रामा हमारी बुद्धि में नहीं है, हमें पता नहीं है कौन से जन्म में हमने क्या पार्ट बजाया है। हाँ, जो अभी चल रहा है उसके आधार पर हम अपने ड्रामा को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा संकल्प करोगे तो अच्छा होगा, और बुरा संकल्प करोगे अपने लिए दूसरों के लिए तो बुरा होगा। शिव बाबा भी ड्रामा के ऊपर अडिग रहते हैं, आज भी कहा कि मैं ड्रामा अनुसार पढ़ाई पढ़ाता हूँ। ड्रामा में जिसको 1, 2, 3, 4 नंबर देना होगा उसी को 2, 3, 4 नंबर मिलेगा। अच्छा बाबा, हम एक सोच रहे हैं परिस्थिति बस कुछ मुर्गी फार्म खोलने के, और तो गीता पाठशाला भी घर में। परिस्थिति परिस्थिति बनाता कौन है? ऐसा है परिस्थिति, परिस्थिति हमने बनाई है या हमारी परिस्थिति किसी दूसरे ने बनाई है? हमने अगर बनाई है हमारी परिस्थिति तो हमको ही मुकाबला करना पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई नौकरी में नहीं है। हाँ, तो हम बुढ़े हो गए जो हैं, हम लोग बुढ़े हो गए, बच्चे छोटे छोटे हैं, जो अभी नौकरी नहीं लगे। कितने साल के हो गए बच्चे? होने में तो है, अभी पास तो किया उसने। कितने साल के हो गए? 30 साल के। 30 साल के बच्चे छोटे होते हैं, नौकरी नहीं लगी। अरे 30 साल के बच्चे राष्ट्रपति बन जाते हैं, अभी जागीर ही नहीं मिला उनको। आप बच्चों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये आखिरी जन्म की तमो प्रधान आत्माएं आपके संबंधी बने हैं, जो आपके दिल को बहुत दुख देंगे, आपका पुरुषार्थ नीचा करेंगे। आखिरी जन्म की आत्माएं हैं, वो आखिरी जन्म की आत्माएं आपको दुख ही दुख देंगी। जब आप 84 जन्मों का रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि इन आत्माओं ने हमको जितना घाटा पहुंचाया है आखिरी जन्म की तमो प्रधान संबंधियों ने, उतना किसी जन्म के संबंधियों ने हमको घाटा नहीं पहुंचाया। हम लोग को रोजी रोटी का मात्र सवाल है। रोजी रोटी का सवाल के लिए तुम्हारा बाप नहीं आया हुआ है? अरे आप तो माता हैं, आप तो माता हैं। माता का अगर मायका होता है, माता को ससुराल में से निकाल दिया जाता है तो कहाँ जाती है? इसका मतलब आपका बाप नहीं आया हुआ है, आपने विश्वास पैदा नहीं किया है, और वो बाप कन्याओं माताओं को ही संभाल रहा है खास। ये प्रश्न आपके अंदर पैदा हो रहा है क्योंकि आपका देह के संबंधियों के प्रति मोह पैदा हो रहा है। बाप ने तो नहीं बोला ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इसीलिए बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पालें तो बाबा समझेंगे और वो जगजीत बन गई। अपनी कमजोरी को हम निकाल दें, हम हमेशा विजयी विजयी हैं। माताओं का एक अवगुण है क्या? कौन सा? मोह। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी मेरा बच्चा।
कमा के नहीं खा पा रहे अभी, नौकरी नहीं लग। तो नहीं मानेगा बाबा, बच्चा मेरा बच्चा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अरे कीड़े मकोड़ों के बच्चे भी अपना पेट भर लेते हैं, भरते हैं कि नहीं भरते हैं? भरते हैं। उनको भी भगवान देता है, मुहैया करता है, ड्रामा देता है। चले गया तो हम चिंता। अब दो माताएं बैठी हुई है, एक एक बात कर रही है, दूसरी दूसरी बात कर रही है। माता जी बात करने से कुछ नहीं होता है, अंदर की बात है, वो अंदर की बात बाहर निकाल रही है माता। सिर्फ बोल बोल करने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि आप माता नहीं है, आपके अंदर मोह नहीं है, आपके अंदर भी मोह जरूर है। अच्छा और देखो तो बिटिया और इंसान के जीवन पर विशेष किस बात पर ध्यान देना चाहिए? याद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, याद और पढ़ाई। पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे तो अंदर से ज्ञान अपने आप उगलने की महसूसता आएगी कि हम दूसरों को सुनाएं। ज्ञान अंदर रखने वाली चीज नहीं है, अंदर में भरा हुआ होगा तो सतह ही बाहर निकलेगा, दूसरों का कल्याण करेगा। तो मुख्य बात है याद की, याद में रहेंगे तो आत्मा सूक्ष्म बनेगी। बिंदु को याद करते करते आत्मा सूक्ष्म बनती है, लेकिन आप चाहें कि हम सिर्फ बिंदु को याद करके सूक्ष्म बन जाएं, सो नहीं बन पाएंगे। उस बिंदु के साथ साथ साकार भी याद आना चाहिए, तो याद करना सहज हो जाएगा। और सहज याद हो जाएगा तो सहज याद निरंतर होती है या कठिन याद निरंतर होती है? सहज याद निरंतर हो जाएगी। निरंतर याद करेंगे तो ज्यादा फायदा है या बीच बीच में टूट टूट करके याद करते रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? निरंतर याद की स्टेज जब हमारी हो जाएगी तो हम संपन्न स्टेज वाले बन जाएंगे ब्राह्मण। फिर हम जो संकल्प करेंगे वो हमारा संकल्प उसी क्षण सिद्ध हो जाएगा। अच्छा संकल्प करेंगे वो भी सिद्ध होगा और बुरा संकल्प करेंगे वो भी सिद्ध होगा। और बाबा हाँ। राम वाले के कृष्ण वाले के अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा के तन में सिद्ध आया और फिर अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं आया। आपने मुरली ध्यान से नहीं सुनी, मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। और राम बली आत्मा के अंतिम जन्म में भी शिव बाबा आया। गुलजार दादी के मुख से निकला वो ब्रह्मा बाबा के बाणी पढ़ना क्या दरकार है? ब्रह्मा बाबा के बाणी क्यों पढ़ते है? ब्रह्मा बाबा की वाणी क्यों पढ़ते हैं? गुलजार दादी के मुख से निकला वाणी हाँ। वो राम बली आत्मा के अंतिम जन्म के आत्मा वो मुरली पढ़ना क्या दरकार है? शिव बाबा वाणी पढ़ना की दरकार? राम वाली आत्मा थोड़ी ही पढ़ती है, राम वाली आत्मा के अंदर ब्रह्मा की सोल जो चंद्रमा के रूप में मस्तक में बैठी हुई है वो पढ़ाई पढ़ता है। कृष्ण बच्चा अव्यक्त वाणी होती है ना, कृष्ण बच्चा पढ़ाई पढ़ता है अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी तो गुलजार दादी में चलाई जाती है, बाबा पढ़ती है वो, इसलिए कि बाबा ने मुरली में बोला माँ की बात भी माननी चाहिए। हम ब्राह्मणों की अम्मा कौन है? हम ब्राह्मणों की अम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए। मुरली में जो डायरेक्शन दिया है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो शिव बाबा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे जो मेरे सबसे नजदीक है उसी की बात नहीं मानता तो ये मेरी बात क्या मानेगा? बच्चा सबसे जास्ती नजदीक किसके होता है, माँ के या बाप के? माँ के तो पेट में रहता है 9 महीने,
तो ब्रह्मा की भी बात माननी पड़े, और ब्रह्मा बाबा की एक भी वाणी अव्यक्त वाणी ऐसी नहीं है, अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को काटने वाला हो। एक वाक्य भी ऐसा निकाल दो जो मुरली को काट रहा हो तो हम ब्रह्मा बाबा की वाणी पढ़ने के लिए ना भी कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की हर वाणी का हर महावाक्य मुरली के अनुकूल है, मुरली को काटने वाला नहीं है, तो हम अव्यक्त वाणी को क्यों छोड़ दें? और ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान की वाणी नहीं सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा कृष्ण की सोल है, पहला सोला कला संपूर्ण देवता है, सृष्टि का पहला पत्ता है, वो ऊंचते ऊंच देवता बनने वाली आत्मा सतयुग में हमको धारणा की वाणी सिखाती है। हम एडवांस में आने वाले बच्चों के पास धारणा नहीं है, क्या है? याद की तीव्रता है, ज्ञान की तीव्रता है। ज्ञान की तीव्रता के कारण वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों बैठे हुए दीदी दादी दादाएं सामना नहीं कर सकते, पब्लिक के सामने हमारे सामने नहीं बोल सकते, पब्लिक प्रोग्राम करेंगे हमको नहीं बुलावेंगे, औरों को बुलावेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान में कमजोर है, ज्ञान की ताकत नहीं है, वो ज्ञान अपनी वाणी को समझे बैठे हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा संदेशी के द्वारा जो दो शब्द सुनाते हैं वो कोई श्रीमत नहीं है, चाहे गुलजार दादी के द्वारा ही समझाते हो सुनाते हो वो श्रीमत नहीं है। श्रीमत तो वो है जो कि ब्रह्मा की मुख से निकली है, वो श्रीमत हमें ये आर्डर देती है कि माँ की बात का भी तिरस्कार मत करो, उसकी बात भी सुनो। क्यों? क्योंकि माँ की लगन जितना पति के प्रति होती है, बाप के प्रति होती है, उतनी बच्चों की नहीं होती है। निष्काम सेवाधारी माँ होती है, इसलिए माँ की बात भी मानो। तो हम बच्चों को ब्रह्मा की वाणी क्यों नहीं सुनना चाहिए? हमारे लिए तो माँ बाप दोनों हमें मान देना है, बल बाप से हमें वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है, और माँ तो वैसे भी बेचारी घाटे में जाती है। ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता दुनिया में, ब्रह्मा की कोई मूर्ति नहीं बनाता, ब्रह्मा की कोई मंदिर नहीं बनाता। शंकर बाप के तो सब मंदिर बनाते हैं, वो जगत पिता है, जगत पिता के रूप में बाप आता है, उसकी मूर्तियां बनती हैं, उसको याद करते हैं, उसके मंदिर बनते हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बाप के बने हुए। तो माँ तो बेचारी घाटे में जाती है, माता को तो कोई याद नहीं करता, और हम बच्चे भी माँ को याद तिरस्कार करेंगे क्या? हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो समझदार हैं वो तो नहीं याद करते हैं। तो हम तो बाप के ज्यादा गहरे समझदार बच्चे हैं, समझदार इसलिए हैं कि हम बाप की बात मानते हैं। मुरली में डायरेक्शन दिया है कि माँ की भी बात माननी चाहिए, तो मानते हैं, जानते भी हैं कि गुलजार दादी में जो आत्मा बोलने वाली है वो ब्रह्मा की आत्मा है। शिव तो पतितन में आते हैं, गुलजार दादी तो पतितन नहीं है, गुलजार दादी तो बचपन से यज्ञ में पली है, वो कहाँ से पतित हो गई? हैं? पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा में शिव बाबा तो नहीं आ सकते? शिव बाबा तो नहीं आते हैं, तो ये गुलजार दादी बाबा तो नहीं आते, इसका मुरली पढ़ना क्या दरकार है? बोला उनकी मुरली है ही नहीं, आप तो अव्यक्त वाणी सुनते ही नहीं, अव्यक्त वाणी में ही बोला है। संदेशियों के द्वारा जो कुछ बोलते हैं उसे मुरली नहीं कहेंगे, मुरली तो एक शिव बाबा की ही है। ब्रह्मा के वाणी जो है वो मुरली नहीं है, वो संदेशी के द्वारा बोली हुई शुभ राय है, दीदी दादियों की वाणी है, जो मुख से बोली जाती है वो शुभ राय है, और ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जो बोलती है वो सबसे ऊंची शुभ राय है। उससे ज्यादा ऊंची शुभ राय कोई दीदी दादी बोल नहीं सकती, तो हम क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और फिर
मुरली की बातों को काटने वाली राय हो तो भी हम छोड़ दें। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली को काट रहा हो। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिसकी वाणी दूसरे पर्सन की वाणी से हूबहू एक एक शब्द मिलती हो, एक दूसरे का सांप काट करते हैं। बोई गीता की टीका, शंकराचार्य की टीका, टैगोर की टीका, गांधी जी की गीता की टीका, माध्वाचार्य की टीका, 108 टीकाएं हैं टीकाकारों के द्वारा की हुई, सब एक दूसरे को काट रही है। आप जो कुछ बोलेंगे आपकी बोली हुई बात का दूसरा व्यक्ति जरूर काट करेगा, करता है कि नहीं? दुनिया में तुंडे तुंडे मतर भिन्ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा की वाणी और शिव बाबा की वाणी जो ब्रह्मा के द्वारा बोली गई वो एक दूसरे का काट नहीं करती है। इसे साबित क्या होता है, क्या साबित होता है कि पति पत्नी का संबंध है या नहीं है? वो ब्रह्मा शिव बाबा को फॉलो करने वाला है या नहीं है? सिर्फ एक बात में गड़बड़ हो गई है। कौन सी बात? गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा अपन को साकार में गीता का भगवान समझती है। बोलो समझती है कि नहीं? तो झूठी बात हो गई या सच्ची बात हो गई? ये देह का अहंकार नहीं खत्म होता उनको, और यही बाबा कहते हैं ये बड़ी सी बड़ी भूल है कि गीता का भगवान मैं हूं, शिवो अहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं। तो शास्त्रों में भी ये मान्यता है कि कृष्ण की आत्मा स्वयं को भगवान कहती है और राम वाली आत्मा कभी भी अपने को भगवान साबित नहीं करती। इस एक गलती से सारा बंटा ढार हो जाता है। बाबा भक्ति मार्ग में हाँ शंकर से गौरी पार्वती उठ गई हाँ, तो इसका अर्थ अभी क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि शंकर जो है, शंकर से नहीं पार्वती रूठ गई, वास्तव में राम से उनकी लगन ज्यादा लग गई। जो राम ने दुख सहन किया तो उनका हृदय पिघल गया कि हम भी देखें जाके ऐसा कौन राजा महाराजा का बच्चा है जो इतना दुख सहन कर सकता है बाप की मत पर। और वो देखने के लिए चली गई मना करने पर भी। तो अगर शंकर जी ने मना किया तो नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन गई, उनका अहंकार टूट गया। और बाबा हाँ वो भक्ति मार्ग में दिखाते ने एक ही में उधर से पदावती के एक ही में वो सत्यदेवी जाके फाला लिया, वो शंकर ने उठा के सारा विश्व घुमाया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शंकर वाली आत्मा सारे जगत के मनुष्यों का बाप है या नहीं है? सब मनुष्यों का पिता है ना। जो बाप में भाव स्वभाव संस्कार होगा युगानुरूप, वो ही सब बच्चों में होगा या कोई दूसरा स्वभाव संस्कार होगा? नहीं समझ में आया? बाप के खून के अंदर जो स्वभाव संस्कार उदा हुआ होगा वो खून बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा? 500-700 करोड़ बच्चे हैं, इसलिए मुरली में बोला है ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं, दुनिया की कोई चाल नहीं क्या जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे किसको कहा? प्रजापिता को कहा। माने दुनिया के हर मनुष्य मात्र के अंदर जो भी स्वभाव संस्कार भरा हुआ है उसका बीज किसके अंदर है? प्रजापिता के अंदर। संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है नाम तेषु ते मई, नाम तेषु उन 500 करोड़ बच्चों में मैं नहीं हूं,
500 करोड़ पत्तों में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो पत्ते मेरे बीज में समाये हुए। आया समझे? इसलिए वो तो वो चरित्र करेगा ही जो बच्चे चरित्र करते हैं। तो ये चरित्र दिखाया गया है विश्व पिता का कि बच्चे भी मोहमयी होते हैं, तो बाप मोहमयी बनता होगा कि नहीं बनता होगा? जरूर बनता होगा। बच्चे आपस में लड़ाई लड़ते हैं पति पत्नी बन करके, तो शंकर पार्वती आपस में लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? है? तुम सब पार्वतियां हो, मुरली बोला तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो। तो जो भी पार्वतियां हैं स्त्री जन्म लेती हैं, पति से नाराज हो जाती हैं, तो मैके में जाके बैठ जाती हैं या कहीं भी चली जाती हैं? जाती हैं कि नहीं? क्रोध आ जाता है तो पार्वती ने भी क्या किया? क्रोध आ गया तो क्या किया? बात नहीं माना, नहीं माना, छोड़ के चली गई और फिर दुखी भी हुई। पिता के यज्ञ में चली गई? नहीं, पिता के यज्ञ में चली गई वो तो चली गई, वो तो तब तो शायद तब तो बात दूसरी थी, वो तो पिछले जन्म की बात, पार्वती की बात काम कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे माता जी? बच्चे दो कार्तिक और गणेश, दो बच्चे की हाँ झगड़ा हुआ। हाँ, शंकर ने बोला मैं कार्तिक के पास जाता हूँ। हाँ, उन्होंने बोला गणेश को तो तुम मानते ही नहीं हो। कौन? तो पार्वती ने बोला। कौन नहीं मानता है गणेश को? तो शंकर से बोला, शंकर जी गणेश जी को नहीं मानते? लो, शंकर जी ने तो उन्हें गणपति बनाया, शंकर जी ने गणेश को गणपति बनाया, सारे देवताओं का स्वामी बनाया, कार्तिकेय को नहीं बनाया। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि शंकर जी गणेश जी को नहीं मानते? इसीलिए हम झगड़ा किया। हाँ, चलो झगड़ा तो बाल बच्चे में होता ही है, बाप बच्चे भी झगड़ते हैं। जैसे बाप बच्चे दुनिया में झगड़ते हैं, तो शंकर जी बाल बच्चे है और ये सब पूरा परिवार है ना, और परिवार भी वंडरफुल है। जैसे बाप वंडरफुल है वैसे उनका परिवार भी वंडरफुल। कहाँ शेर और कहाँ बैल? शेर क्या करता है बैल के साथ? चीड़ फाड़ के खा जाता है। तो देखो कितना विरोधाभास है। और तो बाबा ये जो अभी मुरली में आया है शंकर बुद्धि को फिराता है, है? मुरली में आया है शंकर बुद्धि को फिराता। शंकर क्या करता है? तो कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ योग बल से सारा कार्य करता है। तो मुरली में बोला भी है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो क्या बिंदी विनाश करा देगी? नहीं। बिंदी बोलती है? कौन बोलता है? साकार बाप। साकार बाप के द्वारा बोला गया कि अगर नहीं मानेंगे, बहुत तंग करेंगे, तो क्या करूंगा? विनाश करा दूंगा। खुद नहीं करूंगा, शक्तियों के द्वारा कराऊंगा। शक्तियां असुर संघारणी गाई हुई हैं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर विनाश करता है? शंकर नहीं करता, शक्तियों की बुद्धि को प्रेरता है, उनकी बुद्धि प्रेरित होती है और दुनिया का विनाश हो जाता है। हाँ, तो क्या कह रहे थे? बच्चों में जब समस्या आ जाती है तो शंकर जी और प्रवेश करके बच्चों में मदद करते हैं? शंकर जी प्रवेश करके मदद करते हैं, उन्हें किसी की मदद करने की क्या दरकार? पहले वो अपनी तो मदद कर लें जो बैल के ऊपर सवारी हो जाए। अभी तो बैल ही उनके ऊपर सवार है। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो खुद ही उनके ऊपर सवार है, जैसे चाहता है वैसे काम करवाता है। ब्रह्मा बाबा बैल है क्या? डल है ना, तुम्हें यही बात नहीं पता? ब्रह्मा ये सब गैया है कि नहीं? अरे गैया है कि नहीं उनके साथ? अरे ब्राह्मणों के परिवार में कन्याएं माताएं गैया है कि नहीं? है ना गैया? उन गैयों की ब्रह्मा बाबा ने रक्षा की या नहीं की? अरे गौपाल है कि नहीं? अरे गौओं के साथ रक्षा करने वाला बैल होता है कि नहीं? नहीं होता है, बैल है। अरे मंदिर में, शिव के मंदिर में नाली के मुंह के सामने कौन दिखाते हैं? बैल। बैल वो रामबली आत्मा है क्या? नहीं। फिर
और बाबा मुरली जब पढ़ने के टाइम में बच्चे भी ओम शांति कहते हैं और बाबा भी ओम शांति कहते हैं, इसका दोनों की आत्मा शांत स्वरूप नहीं है? बच्चों की आत्मा शांत स्वरूप नहीं है? है? बच्चे जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे तो शांत स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो भी शांत स्वरूप, और शिव बाबा तो हमेशा शांत स्वरूप है ही है, वो क्यों नहीं ओम शांति करेंगे? और बाबा हाँ, जब फाइनल पेपर होगा हाँ, उस समय कितनी आत्माएं सहभागी हैं? फाइनल पेपर होगा जब हाँ, उस समय कितनी आत्माएं सहभागी बनेंगे? कितनी आत्माएं सहयोगी बनेंगी? सहभागी बनेंगे, सहभागी बने, सहयोगी, सहयोगी, सहभागी, सहभागी और सहयोगी अलग अलग समझते हो क्या? हैं? हेल्पर वहाँ ऐड होंगे, कितनी आत्माएं होंगी? कहाँ ऐड होंगी? फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर जब होगा कितनी आत्माएं पेपर देंगी? कितनी आत्माएं पेपर देंगी? तो ये कहो कि कितनी आत्माएं पेपर देंगी? जिन आत्माओं ने पढ़ाई पढ़ी होगी सो ही पेपर देंगी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी होने के पेपर देने की बात ही नहीं। तो पता है कितनी आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं? जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई, वो राज परिवार में आते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोगी बन करके संगम युग में राजयोगी बनते हैं और सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में राजा रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उनके लिए ही पेपर है। उन राज परिवार वालों की कितनी संख्या है? 16,108 उनके पेपर की बात है, उनके लिए है सिर्फ। बस बाकी तो पढ़ते ही नहीं है, जिन्होंने बाप का बच्चा बन के जन्म ही नहीं लिया, पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, वो उनकी पढ़ाई कहाँ हुई? अथवा बच्चे तो बने और मर गए, पढ़ाई नहीं पढ़ी, भट्टी की और भट्टी करने के बाद तुरंत खलास हो गए, घर घर चले गए, फिर आए ही नहीं क्लास में। जो बच्चे मर गए उनके जन्म क्या हो गया बाद में? प्रजा का जन्म होगा, पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा रानी बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे, नई पढ़ाई पढ़ेंगे चले जावेंगे तो प्रजा बन जावेंगे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना राज परिवार में आवेंगे, भाग जावेंगे तो कहाँ चले जावेंगे? अरे दुनिया प्रजा वर्ग में चले जावेंगे, प्रजा बन जावेंगे। और बाबा हाँ, वो पवित्र श्रीमत से सदगति मनुष्य मत से दुर्गति लिखा है ना, उसके ठेक में वो ओम क्रांति क्यों लिखा है? जो अंति होती है तभी तो अंत मते गति होती है, अंते नहीं होगी तो फिर गति होगी? परमधाम में जाना है कि नहीं जाना है? गति लेनी है कि नहीं लेनी है? मुक्ति लेनी है, गति लेनी है तो अंति होनी है। अंत जब तक दुनिया का नहीं होगा तब तक दुनिया में किसी की गति नहीं होगी, गति माने अंतिम गति मुक्ति। तो बीके वाले क्या बोलते हैं हमको भट्टी करके आया? बीके वाले हमको क्या बोलते हैं मैं भट्टी करके आया तब? ओम क्रांति, ओम क्रांति। हाँ करेंगे क्रांति, धीरज दर मनुआ धीरज दर, बढ़िया क्रांति करेंगे। ओम शांति से ओम क्रांति में गए। मुरली में बोला है सब सेंटरों पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। ओम शांति, तुम बच्चे शांति में गए, तुम बच्चे लिखो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो और अपनी संस्था के ऊपर लिखो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी लिखो, आगे चल करके सब सेंटरों पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी, तो ये सब टूट जाएंगे तभी तो लिखना पड़ेगा। अभी इनकी बढ़वार होने दो, खूब होने दो, हमारा काम हो रहा है, नहीं तो बेसिक नॉलेज भी हमको देनी पड़ेगी, हम एडवांस ज्ञान ही नहीं दे पा रहे हैं एक एक को बैठ करके,
वो तो हुजूम के हुजूम को बैठ के प्रदर्शनी और भाषण दे देते हैं, उनकी प्रजा बनाने की सेवा है, और हमारी एक एक को बैठ करके साप्ताहिक कोर्स देने की सेवा है। ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम के विश्व के सब आलंगी क्या ब्रह्मा कुमारी है ना? हाँ, सब ये 18 भीतर आलंगी। माउंट आबू में लाइन लगेगी नहीं लगेगी? आबू से लेकर के माउंट आबू तक क्यू लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ब्रह्मा बाबा की जीते जी तो लग नहीं पाई, अब कहाँ से लग जाएगी? वो तब ही लगेगी जब बाबा साकार में संसार में प्रत्यक्ष होगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, 18 हाँ, जो गुप्त पाठ चल रहा है वो साबित ही नहीं होने देता है कि भगवान कौन है। वो कलंकीधर का पाठ चल रहा है, कलंक धारण किए हुए हैं, तो जिसके ऊपर कलंक लग जाए, ढेर सारे कलंक लगे हुए हो, उसको कोई भगवान मानेगा? बाबा तो भगवान मानेगा ही नहीं। वो लोग एक निकले हैं, हैं? निखिल गोरक्षनाथ। वो बोलते हैं हमें मतलब विश्व को एक ही करते हैं। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ ने शरीर भी छोड़ दिया, अब विश्व को एक कहाँ से करेंगे? वो तो खुद ही मिट्टी में मिल गए। हाँ, अच्छा वो बोलते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जो श्री राम शर्मा आचार्य वो भी शरीर छोड़ गए। वो बोलते हैं अब कहाँ से बोलते हैं, वो तो गए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, वो कहते थे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, मैं प्रिंस बनूंगा, खत्म हो गया। राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य ला न सके। गांधी क्या कहते थे? राम राज्य लाऊंगा, बजाय राम राज्य आने के और क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग आवेगा, फिर स्वर्ग आया क्या हुआ है? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी अच्छे अच्छे बच्चों की बेइज्जती करते हैं बैठ करके, ये स्वर्ग लाने का काम है? हाँ, तीन बेटी है ना, तीन बेटी है, एक बेटी चली गई, एक दो बेटी है इधर, इनके भाई लेंगे अजीब। अरे उनकी बात बोल रही है, दो बच्ची दो लड़की साथ में लेके मैं भी वहाँ बैठ जाऊंगी। कहाँ? हाँ बैठ जाओ, क्यों आप आगे पीछे कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है घर में? नहीं है। आपके युगल नहीं है? युगल तो है। हाँ, दो है युगल। हाँ, दो युगल है, ये युगल है, दो युगल दो पत्नी है, दो पत्नी है, चमो तो सारा परिवारी के वहाँ बैठ गया ना युगल जो है इनका युगल बड़ी बच्ची के घर में बैठ गया। बड़ी औरत की। हाँ हाँ हाँ, दो औरत थी, दो औरतें थी तो बड़ी औरत के पास वो इनका युगल बैठ गया। इन्होंने शादी की थी? छोड़ दिया। नहीं, इन्होंने शादी नहीं की, ऐसे ही बैठ गई। तो ये ऐसे ही बैठ गए तो वो भी बैठ गया। लड़के ले गए, ये इनकी गलती हुई ना, बिना शादी किए क्यों बैठ जाना किसी के पास? शादी तो शादी भी की, है शादी भी की और दो बच्ची भी है। शादी नहीं की, समाज के समाज की स्वीकृति से शादी नहीं हुई। बताना सही है, शादी शादी करके लाया दोनों औरत। बाबा ये ना छोटी वाली है, इनका बड़ी वाली भी है, छोटी वाली। हाँ, दोनों की शादी हुई? दोनों शादी समाज की स्वीकृति से हुई। दोनों की शादी हुई। शादी हुई, अच्छा। पहले उनका बच्चा नहीं हुआ है, उनके बच्चा नहीं हुआ इसलिए शादी हुई। अपना बहनी तो बड़ी बड़ी ने स्वीकृति दी ना, बड़ी युगल ने स्वीकृति दी कि तुम भले दूसरी शादी करो, तो उसने दूसरी शादी की इनके साथ। अच्छा, तो अब फिर क्या हुआ? फिर वो छोड़ के चला गया, तो उनकी जमीन जायदाद आपको मिली कि नहीं? नहीं। क्यों? आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, आप जीत जाएंगे। इनका बच्चा है, लड़का भी है। हाँ, लड़का बहू भी है। हाँ, खा रहे हैं वहाँ। हाँ,
अपने बाप की संपत्ति उठा रहे हैं। वो इनका लड़का है? हाँ तो कोई बात ही नहीं, इनको छोड़ दिया। अच्छा, लड़के ने भी छोड़ दिया? नहीं खाया, नहीं खाया, वो तो आप लड़ो केस करो जो अलग बात है, उसे तो अब लड़के तो है वहाँ। वो कुछ दूसरा कहना चाहते हैं आप मत बोलिए, उनकी बात नहीं कहने दीजिए। क्या कह रहे हैं? है बच्चा इंडिया में है? इंडिया में है। हाँ हाँ, नेपाली में थोड़ा इंडिया गया था, दुई बच्ची छ, तीन थिए, एक गई गई गयो, अब उसको त अब के भयो, छोडा गयो, छोडा गयो उतातिर, दो बच्ची यो तपाईँको साथमा छ, दो बच्ची मेरो साथमा, अनि यो दो बच्चीको लेकर के बाबाको पास परमिसन दिया त जाने। क्या इनका जो लड़का है? हाँ, तो इंडिया चला गया, इंडिया चला गया, चला गया। हाँ, अभी ये दो बच्ची इनके साथ में है, दो बच्ची इनके साथ में, इनकी पालना ये कर रही है, कर रही है, तो बाबा परमिशन देगा तो मैं बच्चियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के सर चला। पति से अलग हुए कितने साल हो गए? छह साल का कोई प्रूफ हमें चाहिए। आप 6 साल अपने पति से अलग रह रहे हैं, इस बात का प्रूफ हमें दीजिए, चाहे सरपंच से लिखा के दीजिए, चाहे समाज के बड़े बड़े लोगों से लिखा करके दीजिए, कोई बड़ी कमेटी होती है, समाज संस्था होती है, सरकार से पास होती है, उसका ठप्पा लगवा लाइए, उनसे लिखवा लाइए कि मैं 6 साल से अपने पति से नहीं मिल रही हूँ। बाबा को कोई आपत्ति नहीं? अरे एक आदमी बोलो, गादीस बाटो या त प्रशासन कार्यालयबाट मलाई यति साल भयो अलग छुपति बाटो भनेर उहाँको ल्याउनु पर्यो, ठप्पा लगाएर ल्याउनु पर्यो, प्रुफ त्यो कार्ड ल्याउनु पर्यो मात्रै, बाबाको उहाँ गएर सरेन्डर भन्ने भन्नु। अभी सरलाई की एक माता गई है, उसके उसका पति छोड़ करके चला गया, सरलाई की एक माता, वो आकर कहने हमको भी रख लो, तुम्हारा पति कहाँ है? तो चला गया, तो इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? चला गया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, वो गांव वालों ने लिख करके दिया है सादा कागज पर, ऐसे ऐसे इनका पति चला गया, तो ये कह रहा सादा कागज तो माना नहीं जाता है आजकल सरकारी महकमे में, इसलिए किसी संस्था से या सरपंच से या कोई पंचायत से लिखवा लाओ, ठप्पा लगवा लाओ, हम रख लेंगे, वो ठप्पा लगवा के ले आई, रख लिया। बाबा हम सेवा करना सही के ना सही है? क्या कह रहे माता जी? कह रहे हैं मैं सब, माता जी कह रहे हैं तुम बुढ़ी हो गई, सेवा कर नहीं पा रही है, हाँ? नहीं जाओ, और वो कहती है कि मैं अभी जैसा भी हो मैं सेवा करना चाहती हूँ, ऐसा कह रही है। हाँ हाँ, सेवा करती हूँ ऐसा कह रहे हैं। हम भले सेवा करें हैं, लेकिन इनके इनके घर में पति नहीं है, पति नहीं है, शरीर छोड़ दिया है। अरे उनका शरीर नहीं छोड़ा, वो भी ऐसे कर, वो भी जिंदा है। साथ छोड़ दिया, और ये दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, आप दोनों साथ साथ बैठो, साथ साथ जाकर दोनों जाके साथ साथ सरेंडर हो जाओ, बाबा को या पते। जो छोटी बच्चियां हैं वो 9 साल से कम की तो नहीं है? ये तो बड़ी है, इससे बड़ी है दूसरी, इससे बड़ी है। हाँ, तो बाबा को कोई आपत्ति नहीं, कम उम्र की बच्चियां होती हैं, कुछ समझती तो है नहीं, शोरगुल ज्यादा करती हैं, और उनकी पालना में माँ व्यस्त रहती है, सेवा कुछ कर नहीं पाती, इसलिए ये नियम रखा हुआ है 9 साल की कन्या होने के बाद ही सरेंडर करना है। 18 साल देसी गए ना, 18 साल 3 साल इधर होगा, 18 साल बेसिक में ये गई, हाँ 3 साल एडवांस में, एडवांस में, हाँ अच्छी बात है। अब 3 साल ये एडवांस में हो गया, अब हमें पता नहीं कहाँ चलन, तो क्या कह रहे हैं? अभी 18 साल बेसिक में हो गया, बोले 3 साल यहाँ हो गए एडवांस में, तो पहले वाले पति किधर गया? 21 साल से उनका पता ही नहीं, पता हाँ, तो अच्छी बात है, आप हमें प्रूफ दीजिए पक्का, और हम आपको वेलकम, आप आश्रम में आइए और रहिए। हाँ सर, बाबा जी बेसिक वाले सब दादा देखे और गद्दी मौज मस्ती करें, बाबा सब गद्दी कब छोड़ेंगे बाबा?
आपको उनकी गद्दी से क्या लेना देना, आप उनकी गद्दी आपको क्या परेशान कर रही है? हम लोग बाबा उसमें नंबर नहीं आएगा है? हम लोग का नंबर उनकी गद्दी आप लेना चाहते हैं? उनकी उनकी गद्दी से भी बड़ी गद्दी तो आज के गुरुओं की है, जो दुनिया में बड़े बड़े गुरु हैं, उनसे भी बड़ी गद्दी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की है, वो गद्दी नहीं लेना चाहेंगे? बहुत मौज मस्ती कर चुके हैं। अरे मौज मस्ती कर चुके हैं, तुम जितना अच्छा करोगे उतना मौज मस्ती तुम करोगे जन्म जन्मांतर, वो तो एक जन्म के लिए कर रहे हैं। और बाबा है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के अंधेरे में आ जाते हैं तो क्या कारण है? हाँ, क्योंकि ये भगवान नहीं है। जो भगवान होता है वो कभी अंधेरे में नहीं आता, वो सूर्य है। ज्ञान सूर्य सदैव प्रकाश में ही है, और ज्ञान सूर्य के अलावा जो भी सितारे हैं, चांद सितारे, वो सब अंधेरे में भी आते हैं। और बाबा, हाँ जी, जब सरेंडर होते हैं तो डायरेक्ट फर्रुखाबाद जाकर सरेंडर हो सकते हैं या फिर मिनी मधुबन में कुछ मास रहकर सरेंडर होना है? बाबा ने तो यही बताया, तुरंत दान महाकल्याण। अगर बुद्धि में निश्चय बैठ गया भगवान बाप आया हुआ है तो उसको भी परखने की दरकार है क्या? है नहीं परखने की दरकार है, आ गया है तो बस, इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं। उसकी रहबरी में तो हम सुखी ही सुखी रहेंगे। ये तो हम लोगों ने सुना है कि आजकल फरुखाबाद में दो तीन मास तो मिनी मधुबन रहना चाहिए। वो देखते हैं, वो हमारा काम है, हम देखें उनको कि ये रहने योग्य हैं या नहीं है, हुड़दंग मचाने वाले तो नहीं है, बस। बाकी जो सरेंडर होने वाले हैं वो तो आदि में जैसा फाउंडेशन में उनका भावना होगी वो अंत तक रहेगी, जो आदि सो अंत। आदि में ही अपनी अच्छी भावना लेकर के जाए कि हम तो भगवान के बन चुके तो बन चुके, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ क्या? मैं इनका परीक्षा खत्म होगा 12 का क्लियर होगा तो इनका जाना चाहते हैं, इसीलिए पूछा। बहन लोग ने कहा कि बाबा को पूछना है, क्या पता ऐसे ऐसे बोला। बहन लोग तो कुछ भी कहेंगी, भांति भांति की बहनें हैं, वो देखेंगी अच्छी कन्या है मेरे से आगे चली जाएगी तो थोड़ी उल्टी मत दे दो। इसलिए मुरली को पढ़ना है, मुरली की बात सुनना है, और किसी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, किसी से नहीं मत लेना, दूसरों से मत लेंगे तो नीचे गिरेंगे। दादा निमित मेहता सेवन पैसे निकालने हैं, निमित मेहता जिनके तक पैसा लेके वहाँ जाएंगे पैसे निकालने। पति की परमिशन ले बैठे जाके, बाबा को क्या परेशानी। क्या हुआ? अरे भाई लौकिक में एग्रीमेंट किया है कि नहीं किया है? गीता पाठशाला की पति पत्नी जो भी हैं, ये गीता पाठशाला चलाने वाले, उन्होंने लौकिक में एग्रीमेंट किया है कि नहीं किया है एक दूसरे का साथ देने का? किया है ना, तो उसे निभाना चाहिए ना। बाबा ये कह देंगे मत निभाओ तुम छोड़ के आ जाओ, कह देंगे नहीं कहेंगे? हाँ, पति में इतनी ज्ञान की पावर आ गई है वो समझे, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, देह देह के संबंधी, देह के जो भी घर मकान आदि परिवार पदार्थ हैं वो सब तेरे, और वो स्वेच्छा से लिख करके दे दे, आप जबरदस्ती फोर्स के आधार पर नहीं, नहीं हमको सरेंडर करो नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे रोज, वो नहीं, स्वेच्छा से सरेंडर कर दे तो वेलकम, बड़ी अच्छी बात है, आप स्वर्ग बनाने के काबिल हैं। और लड़ाई झगड़ा करके आएंगे तो स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? तो वहां भी नरक बन जाएगा।
जो गीता पाठशाला का मुख्य भाई है, निमित्त भाई है, वो गीता पाठशाला का स्टूडेंट नहीं है, है या नहीं? वो पहला स्टूडेंट है, मुख्य स्टूडेंट है, उसको लायक बनाओ। इतना लायक बने कि जो देखने वाले सब कहें कि ये तो पूरा सरेंडर है, नंबर वन बच्चा है बाबा का। हम जाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं। जाना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। आप जाना चाहते हैं और वो भेजना नहीं चाहते? माने आपने जान लिया ना कि ये भेजना नहीं चाहते हैं। आप बड़ी सभा में बोल रहे हैं हम जाना चाहते, जाना चाहते, ये हमको नहीं भेजना चाहते। इसका मतलब आप एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या? ये तो आपने साबित कर दिया। बाबा का ज्ञान ऐसा है जो ना समाज के नियम कानून को तोड़ता है, ना गवर्नमेंट के नियम कानून को तोड़ता है, और ईश्वरीय नियम कानून भी बरकरार बने रहे। बाबा गीता पाठशाला जो है वो गीता पाठशाला चलाने के लिए जो सरकार से मतलब की प्रशासन से स्वीकृति लेना पड़ेगा, गीता पाठशाला चलाने के लिए तो सरकार से मतलब दर्ता करना पड़ेगा, प्रशासन कार्यालय में क्या करना पड़ेगा? दर्ता तो आपका बना हुआ है, सरकार है, सरकार से दर्ता बना लो। बाद में जो ऑपोजिशन करते हैं बाद में ऑपोजिशन करेंगे तो ठीक है, आप अपना दर्ता बना लो। सहयोगी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्या नाम रख दो? सहयोगी किसका? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, हम तो उसके सहयोगी हैं। दर्ता करा लो पर चलते रहो, कोई क्या करेगा, मगर कराना ही पड़ेगा, नहीं कराया तो चलता। ये आपकी गवर्नमेंट कहती है कि दर्ता कराओ, उसके बाद आप पिचिंग कर सकते हैं। तो आप दर्ता करा लो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ सठे साठे हम समाचारित। कौन मना करता है? ये काठमांडू वाले कैसे खोल रहे हैं? काकर विट्ठा में कैसे मिनी मदन खुल गया? तो उनके लिए परमिशन, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, वही डॉक्यूमेंट देके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो नाम लिखा है ना में हो गया, वो थोड़ा गलती हो गई। हमने उनको यही नाम बताया था जो इनको बता रहे हैं। अभी भी वो एप्लीकेशन देके सबके साइन करा के अपना नाम चेंज करवा लें, उसमें लिख दें हमारा ना, हम नाम अपना सहयोगी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय रखना चाहते हैं, केंद्र हटा दें। हाँ जी, सेवा केंद्र नाम रखा हुआ है, वो ठीक नहीं है। आप उन्हें समझाओ, समझा करके वो काम करा लो, नहीं तो आगे चल करके अड़चन आ सकती है, अड़चन आ सकती है। इसका तो पूरा विधान। हाँ, तो वो नाम ही तो चेंज करवाना है आपको, तो वो कहाँ से होगा? वहीं से नाम चेंज होगा, क्योंकि वो लोग तो वहीं का मानते हैं, उसी आधार पे यहाँ पर। तो आप वहीं एप्लीकेशन दो कि हम अपनी संस्था का नाम चेंज कराना चाहते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों को पता नहीं है, वो अड़चन नहीं डालेंगे, बाद में उनको सब बातें पता लग जाएंगी, तब फिर वो अड़चन डालेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाबा ने 1968 का मुरली ज्यादा चलाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो साल भर से 68 की वाणियां चल रही है, उससे पहले 67 की चली थी, 65 की भी चली, 66 की भी चली, अभी तो 60 की वाणियां मिल गई, तो वो चल रही है। आगे चल के ब्रह्मा बाबा ने जो मुख से डायरेक्ट टैप रिकॉर्डर में टैप किया वो वाणी भी मिल जाएगी। 55-56 की वाणी कभी नहीं सुना मैं, 55-56 की वाणी अभी तो आई थी। इतना मुरली बाबा पढ़ते हैं, इतना मुरली 68 जो है ही नहीं अवेलेबल, उन्होंने फाड़ फाड़ करके उसके ऊपर प्रसाद रख करके खा गई, तो दूसरा कोई क्या करेगा इसमें।
पत्ते फाड़ फाड़ करके उन्हें टोली रख करके खा ली है। हाँ तो सन 64 से पहले की उन्होंने वाणिया सब खत्म कर दी। जो मुसलमान लोग होते हैं ना, उन मुसलमानों लोगों ने हिस्ट्री में ये काम किया है कि यहाँ भारत के जो भी शास्त्र हैं उनको भाड़ों में भून दिया, जला दिया, फाड़ फाड़ करके जमीन में गाड़ दिया, फाड़ फाड़ करके चीर चीर करके नदी में बहा दिया। तो ये शूटिंग यहाँ होगी कि नहीं होगी? तो सन 54 और 60 की जो वाणिया आप बता रही हैं वो सब फाड़ फोड़ के जरा जुलू के खत्म कर दी। कोई धर्म वाले ऐसे नहीं करते हैं जो अपने धर्म पिता की वाणी को फाड़ देते हो। ये धर्म की ग्लानी यहाँ ही होती है। बाबा ऐसे बच्चों को आके देवता बनाता है। वो ही अधूरे पुरुषार्थ करने वाले देवता हैं, बाहुबल चलाने वाले देवता हैं, द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। अभी भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, कहते हैं ये हमारा सेंटर है, हमारा घर है, तुम निकलो बाहर, ये तुम्हारा कोई मंदिर नहीं है। तो भगवान को धोखा दिया कि नहीं दिया? बाबा जो मुसलमान लोग होते हैं बाबा अपना तो सब मस्जिदों में जाकर नमाज नमाज पढ़ते हैं है। और अपने ये सब जो दिव्या लोग हैं तो इनको लोग नहीं जाने देते हैं, क्या कारण बाबा? दूसरे धर्म को छोड़ उनके धर्म को अपना है तो जाने देंगे, औरतों को नहीं जाने देते हैं। तो हर एक स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं ना। तुम्हारे आध्यात्मिक विद्यालय का नियम कानून है कि यहाँ जो भट्टी करेगा सो आकर के बैठे। सारी दुनिया को निमंत्रण है सब आकर के भट्टी करें, सबको हम यहाँ बैठने देंगे? तो नियम कानून मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो वो भी कहते हैं तुम पहले मुसलमान बनो तो हमारी मजमे में आकर के बैठो, हम कहाँ मना करते हैं? मस्जिदों के अंदर नहीं जाने देते। हाँ मस्जिदों में आके बैठो, मुसलमान बन जाओ। औरतों को नहीं आने देते। वो समझते हैं कि उनमें अपवित्रता भरी रहती है। मासिक धर्म होता है ना तो उसे अपवित्रता समझते हैं, इसलिए वो पवित्र स्थान समझ के नहीं आने देते। ये खुदा का घर है बाबा। मसूर के दाल वो दोस्त होती है कि नहीं होती है? मसूर के दाल हाँ वो खाते हैं कि नहीं खाते? कौन मसूर होते हैं ना मसूर? हाँ क्यों नहीं खाओ? मसूर भक्ति मार्ग में तो नहीं खाते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ करते हैं, भक्ति मार्ग की बातें क्यों अपनाते हैं? मूली के अचार तो बाबा नहीं खाना। मूली का अचार नहीं, मूली भी नहीं खाना चाहिए, नींद बहुत लाती है। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा आलस्य आएगा। किसी के अचार बिना मूली खाए अमृत वेला झींक मारते हैं, तो मूली खाओगे तो और ज्यादा सोना आएगा। तब तो मसूर की दाल भी खाना आएगी? मसूर की दाल में कोई अवगुण नहीं है, अच्छी चीज है, खाओ। थोड़ी गर्म होती है और कुछ नहीं। बाबा ने मना नहीं किया, जो चीज बाबा ने मना नहीं किया है उसके बारे में क्यों पूछना? बाबा ने मूली के बारे में बोला है कि नींद ज्यादा लाती है, तो मूली तमोप्रधान चीज है, डकारें लाएगी, गंदी गंदी मुंह से आप बदबू निकलती है, वो मत खाओ। हाँ जी मूली है, लहसुन है, प्याज है, ये मुख में से दुर्गंध छोड़ते हैं, पेट की बदबू बढ़ाते हैं, ये चीजें नहीं खाना चाहिए। जो चीजें गंध बढ़ाने वाली हैं, गंदी श्वास छोड़ने वाली हैं, वो उत्तेजक होती हैं, इंद्रियों में उत्तेजना लाती हैं, काम विकार की बढ़ोतरी होती है, वो चीजें मत खाओ। हाँ जी फूलता है ना, क्यों बोलते हैं? जमीन में फूलता है ना, जमीन से उड़ता है बाबा बरसात के टाइम में, उसको क्या नाम कहते हैं? मशरूम। हाँ जी हाँ जी, वो तो साग सब्जी है, कोई नुकसान तो करती नहीं है, क्यों नहीं खाओ? हाँ ये जरूर है, जैसे बंद गोभी है, गोभी का फूल आता है ना, बंद गोभी है, उबालोगे तोड़ तोड़ करके तो मांस के टुकड़े जैसे लगते हैं, ऐसे ही वो मशरूम मांस के टुकड़ा जैसा लगता है।
तो लोग समझते हैं ये मांस जैसी चीज है, नहीं खाना है। जैसे प्राकृतिक सब्जियां होती हैं ऐसे वो भी है। और पान वगैरह खा सकते हैं लोग? अरे पान तो देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, खा सकते हैं। और पान खाओ, खून बढ़ाओ। हाँ, जो क्लास में रेगुलर नहीं है, है? मासिक संगठन में भी रेगुलर नहीं है, है? उसको बाबा के महासंगठन में न आने के लिए कहने में जो है गीता पाठशाला के निमित्त लोग संकोच करते हैं। दो साल तक, वो दो महीने तक अगर नहीं आते हैं, दो महीने तक गीता पाठशाला में भी नहीं आए, सेवा केंद्र में भी नहीं आए, और आपके संगठन में भी नहीं दिखाई पड़े। बाबा कहते हैं बाबा के पास इनके दो महीने तक चिट्ठी मात्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा हम ओके, सिर्फ इतना ही लिखने के लिए बोला, वो भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा क्या समझते हैं? बच्चा बच्चा मर गया। तो जब बाबा ही समझते हैं बच्चा मर गया, तो हम बच्चे क्या समझें? मर गया कि जिंदा है? हम मुर्दों से प्यार करें या लगाव छोड़ दें? क्या करें? लगाव छोड़ दें। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध होने चाहिए। बाप का जिनसे कनेक्शन नहीं, या जिनका बाप से कनेक्शन नहीं, संबंध नहीं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। और बाबा निकले जो कहते हैं जय गुरुदेव बाबा, बाबा ये भी कहते हैं कि अभी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला। लेकिन है। कैसे सो तो बताओ, बहुत धूमधड़का। अरे वो तो बताओ, उनसे पूछो कैसे आने वाला है, कैसे का तो जवाब दे दो, कब आने वाला है वो तो जवाब दे दो। कौन लावेंगे, उनकी योग्यता क्या होगी जो सत्युग लाएंगे? ये कलयुग कैसे खलास होगा, सो तो बता दो, उसका कोई जवाब नहीं। तो फिर यहाँ तो बाप सारी आदि मध्य अंत की पूरी कहानी बता रहे हैं। और बाबा ये छोटे बच्चे 7-8 साल के छोकरे लोग जो जाके भर्ती किए आए छोटे पन में, अभी जो है बड़ा हो गया तो फिर भर्ती हुई शादी रहेगी, दोबारा करना पड़ेगा। अभी समझदार कम है, फिर संघ का रंग इनको लगता है, छोटे बच्चे रेगुलर तो रहते नहीं है, इसलिए दोबारा उनको भर्ती करनी पड़ती है। दूसरे उनका निश्चय पत्र भी नहीं बनता है जब तक बालिग न हो जाए, तो बड़े होकर के उसको बुद्धि थोड़ी बढ़ जाती है, विस्तार में चली जाती है, लंबी चौड़ी बुद्धि हो जाती है, तो दोबारा भट्टी करना अच्छा ही है ना। और ओम शांति।